ज़रूर। देखिए, मैं एक चीज़ बिलीव करता हूँ कि स्टार्स पैदा होते हैं, बनाए नहीं जाते। बचपन से ही रेगो में एक वो था, है, जो वो इतना कैमरा के सामने सो इजी सुर में इतना अच्छा गाना गाता है। ही रियली वर्क्स हार्ड और ऑब्वियसली ही इज़ एन 8th स्टैंडर्ड स्टूडेंट, स्कूल में जाता है। पढ़ाई के बावजूद वो ये करियर को चूज़ किया है। हेल्प तो है, हम लोग हैं उसके लिए, हम उसको गाइड करते हैं, उसके पिताजी माताजी इतना उसके लिए कर रहे हैं। उसके बाद उसका डेस्टिनी है, वो कितना मेहनत करे, कितना आगे बढ़े, वो उस पर है। हम लोग इतना ही कर सकते हैं कि उसको प्रोजेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद वो बड़ा हो रहा है, बहुत समझदार है और डैडी का तो आशीर्वाद है ही, उसको क्लासिकल भी सीख रहा है। तो वी विश हिम ऑल द बेस्ट और हम चाहते हैं आप लोग सब उसको प्यार दें। देखिए रीमा, सो मैंने जब उसको देखा गाते हुए, वो ये सब गाने सीखता था। मैं और मेरे पिताजी, हम लोग, पिताजी का आइडिया था कि इसको शूट करो, इसको रिकॉर्ड करो, तो हम लोगों ने इसको एक्चुअली लाइव रिकॉर्ड किया है। ये गाने लिटरली, इसका जो बैंड है सब लोग ने लाइव बजाया, इसमें कोई कंप्यूटर या कोई वो सब नहीं किया हुआ है। इसको अगर आप यहाँ ही बोलेंगे, इसके बैंड के साथ गाने, वो ऐसे ही गाएंगे, वो लोग ऐसे ही परफॉर्म करेंगे। तो ये बहुत यूनिक प्रोजेक्ट है। हम लोग ने बहुत डिफरेंट टाइप्स के जॉनरास को यूज़ किया है ये गाने में। बस बेसिकली ये तो एक पॉप गाने हैं, इसको हम लोग ने रेगे बनाया है, डिफरेंट स्टाइल्स बनाया था। बहुत मज़ा आया करते वक्त। रेगो इज़ रेडी, उसने ऑलरेडी 2-4 म्यूज़िक वीडियो शूट कर चुका था। जब वो हमारे पास आया, ही वॉज़ रेडी विथ हिज क्लोथ्स। ही आजकल के बच्चे बहुत जेन एक्स बच्चे हैं, दे आर फास्ट, रेडी टू गो, दे नो वॉट टू डू एंड हाउ टू डू। सो ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ा। आप देख रहे हैं रिज़ल्ट बहुत अच्छा आया है। 2 गाने तो रिलीज़ हो चुके हैं और गाने बाकी हैं। तो आप लोग बस आशीर्वाद दीजिए और बहुत अच्छा यूनिक था। मैं अपने नेफ्यू को डायरेक्ट कर रहा हूँ, आई थिंक फर्स्ट टाइम हुआ होगा। डैडी को तो डायरेक्ट किया ही है, बट अभी नेक्स्ट जनरेशन को डायरेक्ट कर रहा हूँ, तो बहुत अच्छा लग रहा है। आशीर्वाद दीजिए। थैंक यू सो मच। नमस्कार। क्या कहना चाहोगे? Actually, my mom and my dad, they're my backbone. They're the reason that I'm doing this for them only, because it was their dream to become a big singer, to make a name like my granddad. And I've got lots of work to do. I have to do so much hard work, and to make my mom and dad and to take my grandfather's legacy forward. That's the only aim that I'm focusing right now on. मैं पढ़ाई को और गाने को 50-50 जैसे लेता हूँ उनको। ये ऐसा मैं सच्ची बोल तो गाना ज़्यादा मुझे करता है, क्योंकि पढ़ाई का चलता रहता है, बट पढ़ाई का फीवर आता है मुझे, और गाने के नाम से एकदम जलवा उठ जाता हूँ। मेरा टास्क है कैसे उसको बिठाती हूँ, पर ही इज़ अ पक्का एंटरटेनर, सिंगर, परफॉर्मर। उसको एक्टिंग में भी बहुत शौक है, स्पीच एंड ड्रामा का क्लासेस भी लेता है। इस बार रॉक स्कूल में भी 98% आया है, म्यूज़िक में 2 साल में ग्रेजुएट हो जाएगा। सो मतलब करता है, बस हम लोगों ने ऐसा ईश्वर का उनके पैर में छोड़ दिया है, दादा का आशीर्वाद है। बस ऐसे ही करें, काम करते, कुछ ना कुछ करते रहे, गाने को ऑलवेज रहे, म्यूज़िक अपने साथ करते रहे, बस वही आशा है। क्या कुछ सुझाव देते हैं हमेशा, क्योंकि हमने देखा कि कहा कि पढ़ाई के नाम ये बेसिकली हम लोगों की इच्छा रहती है, जो इसको जो अच्छा लगे वो करे। पढ़ाई बेसिक क्वालिफिकेशन वो मस्ट है, वो करना बहुत ज़रूरी है। तो इसका इंटरेस्ट पढ़ाई में भी है, साफ माइंड है, अच्छा रिकवर करता है तुरंत, पर इसको सिंगिंग में, अपने लाइन में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है, तो हम उसको रोकते नहीं हैं। हम बोलते हैं भाई आपको जो अच्छा लगे वो करना, लाइफ में कोई प्रेशर नहीं है। आपको बिजनेसमैन बनना है, आपको सिंगर बनना है, आपको जो बनना है हीरो अपने अपनी मर्जी से बनना है, अपने इंटरेस्ट से काम करने का है। तो हम लोगों का ये सुझाव रहता है, हम भी सपोर्ट करते हैं सब। स्टाइलिंग तो सिंपल नहीं, हेयर वेयर तो ऑफकोर्स कपड़े का भी मेरा बहुत रहता है। देन ही इज़ वेरी हेल्थ कॉन्शियस ऑल्सो, बिकॉज वी इन आवर फैमिली वी आर ऑल नॉट वेरी वो हेल्थ कॉन्शियस। आर्टिस्ट है, खाते पीते हैं हम लोग, खाने वाले लोग हैं, बट ही इज़ एज दिस जनरेशन आई एम सीइंग दैट रेगो इज़ वेरी हेल्थ कॉन्शियस इन द सेंस दैट अभी से कट डाउन कर दिया है। ही इज़ बिकमिंग टॉलर, ही इज़ ओनली 13-13 साल का है। चेंजेस आ रहे हैं उसके बॉडी में भी, उसमें भी, पर उसमें हेल्थ कॉन्शियस भी दिखता है। एक्सरसाइज करता है, क्रिकेट बहुत अच्छा खेलता है। He loves sports. He's a very good swimmer, and cricket तो either cricket either singing, but singing is तो है ही क्योंकि उसमें है वो चीज़। And he enjoys, वो सबसे अच्छा enjoy वो ही करता है। And dancing में भी है, पर dance में भी थोड़ा भी अच्छा वो कर रहा है। Classical भी ले रहा है, training ले रहा है वो classical का भी। So side by side, but basically we are looking for Rego in a different way of like international वो level पे अगर इंडिया को ले जाए, बिकॉज ये लोग ही यूथ है, ये बच्चे ही इंडिया को प्राउड करेंगे। आज से 5 साल हो, 2 साल हो, 3 साल हो। सो ही इज़ इन द मेकिंग, ही स्टिल इन द मेकिंग, बट ही इज़ डूइंग वेरी वेल, ही इज़ वर्किंग हार्ड और अच्छा कर रहे हैं। बस आप लोग का आशीर्वाद रहे उसके साथ। वेलकम वेलकम। आर्टिस्ट बनाया नहीं जाता, आर्टिस्ट पैदा होता है। तो आप कितने लकी अपने आपको मानते हो इसके लिए? हाँ, मेरी लकी है, मेरी फॉर्चुनेट है, मुझे इतने अच्छे पेरेंट्स मिले हैं, इतना अच्छा फैमिली में मैं पैदा हुआ हूँ, वो भी इतने बड़े लेजेंडरी सिंगर और प्रोड्यूसर और म्यूज़िक डायरेक्टर के फैमिली में। तो मुझे उनका लगेज तो लेके जाना ही बनता है, बिकॉज इट्स नॉट इवन दिस थिंग, बिकॉज आई हैव टू टेक इट फॉरवर्ड। एंड आई एम वेरी फॉर्चुनेट दैट इतना मुझे इतना गाने रिलीज़ हो गए और इतना फेम कम। अभी तो कुछ नहीं है, अभी इतने सारे फेम अभी कर रहा हूँ मैं, और गाने रिलीज़ कर रहा हूँ, एंजॉय करते रह रहा हूँ, पढ़ाई कर रहा हूँ, मज़े करते रह रहा हूँ। Oh, I'm blinded by the lights. Oh, I can't sleep until I feel your touch. I said, oh, I'm drowning in the night. Oh, when I'm like this, you're the one that I touch. Thank you so much. Thank you so much.